हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका रॉय भट्टाचार्य। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद राधिका। हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेस्ट वाटर स्टोरी, जो कि क्लास सेवन्थ का एक टॉपिक है। आज हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसको हम कहेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो कि एक प्रोसेस है। जो भी वेस्ट वाटर हमारे घरों से या ऑफिस से, हॉस्पिटल से, इंडस्ट्रीज से रिमूव हो रहा है, उन सब में से इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, उन सबको रिमूव कैसे करना है। क्यों ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वेस्ट वाटर में जो इतने सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सब पॉल्यूटेंट्स को अगर हम ना रिमूव करें और इसको डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देंगे हम रिवर में, तो वो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वेस्ट वाटर से सब जो मेन वेस्ट है उन सबको रिमूव कर दिया जाता है। और ये सब कहाँ पर होता है? ये पूरे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ तक सीवेज आया कहाँ से? सीवेज होता है जो कि वेस्ट वाटर है, उसमें बहुत सारे अलग अलग पॉल्यूटेंट्स इन्वॉल्व है। अब हमारे घरों में से सीवेज निकल रहा है और ये पाइपलाइन आपको दिखाई दे रही है। ये जो पाइपलाइंस है, इसको हम कहेंगे सीवर पाइपलाइंस या सीवर्स नॉर्मली। ठीक है, ये सीवर्स के थ्रू सीवेज चला जाता है एक मेन चैम्बर में, जहां पर बहुत सारे अलग अलग घरों से सीवेज आकर इकट्ठा हो जाता है। इस पूरे नेटवर्क को, जिसमें बहुत सारे सीवर्स कंबाइंड होते हैं, इस पूरे नेटवर्क को हम कहेंगे सीवरेज। ठीक है, तो आप देखिए तीन टर्म्स हैं ये, सीवरेज, सीवर एंड सीवेज। ये तीनों टर्म्स हैं जो कि काफी सुनने में सिमिलर से हैं, लेकिन इनकी मीनिंग अलग है। सीवेज जो कि वेस्ट वाटर होता है जिसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सीवरेज, पूरा नेटवर्क, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें से सीवेज ट्रेवल करता है। एंड थर्ड वन इज सीवर, जिसके अंदर सीवेज ट्रेवल करता है, मतलब ये जो पाइपलाइंस है इसके थ्रू ही सीवेज ट्रेवल करता है और पहुंच जाता है यहाँ पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, अब प्लांट में पहुंच जाने के बाद मैंने पहले ही बताया चार इसमें फेजेस होते हैं, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन दोनों में बेसिकली फिजिकल रिमूवल होता है जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो थर्ड वाला है ये सेकेंडरी, इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। आप लोगों ने ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डिसएडवांटेज होता है या उसके डिसीज कॉजिंग जो रूप है वही देखे हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत जगह यूजफुल काम भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टर्शियरी, जो कि केमिकल्स का यूज करके हम जो वेस्ट वाटर का जो आउटपुट आया है उसको पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो वन बाय वन हम सभी स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ गया है हमारा सीवेज। जितना भी सीवेज है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। यहाँ पे बार टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे जेल में आपने देखा होगा ना, वैसे लोहे के सरिया टाइप का होता है, तो उसी टाइप का यहाँ पे बार होता है, जिसमें क्या होता है, लिक्विड में जितना भी डिजॉल्व्ड पार्ट होता है वो सब तो चला जाता है आगे, लेकिन जो भी सॉलिड और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर अटक जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चला जाता है इस सेडिमेंटेशन टैंक में। यहाँ पे ग्रिट्स का रिमूवल होता है। ग्रिट्स मतलब छोटे छोटे जो पत्थर होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब इस वाटर को, मतलब वेस्ट वाटर को आगे भेजा जाएगा, बहुत धीरे स्पीड कर दी जाएगी सीवेज की, सो दैट जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रिट्स, वो सब नीचे बैठ जाएंगे और जो भी लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो आगे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर आ जाएगा। ये दोनों जो चैम्बर्स होते हैं, दोनों ही सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं। इट मींस जो भी हैवियर पार्टिकल्स होंगे दे विल सेटल डाउन, और जो भी लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जितना भी वेस्ट वाटर आया है, यहाँ पर इसको कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है, सो दैट जितना भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो सब नीचे सेटल डाउन कर जाएगा, और जो भी फ्लोट करने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीस, ऑयल, ये सारी चीज़ें ऊपर फ्लोट करती रहती है। ठीक है, ये जो ऊपर फ्लोट करने वाला पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं स्कम, SCUM, स्कम, जिसको स्किमर की हेल्प से हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर होता है जो स्लज, मतलब जितना भी हैवी पार्टिकल हो गया, चाहे उसमें फीसिस है, सैंड है, ग्रेवल है, ये सारी चीज़ें, इन सबको हम स्लज कहते हैं, और इसको भी रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रेपर। उसके बाद ये जो स्लज है, इसको यहाँ से रिमूव करके इस वाले चैम्बर में भेज दिया जाता है। यहाँ पर जितना भी स्कम था वो भी रिमूव कर दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल बचते हैं, इसको हम कहते हैं क्लेरिफाइड वाटर। ये आगे चला जाता है उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। एज यू आर एबल टू सी, यहाँ पर एक फैन टाइप का लगा हुआ है जो कि कॉन्टिन्यूसली एयर को ब्लो करता रहता है इस टैंक के अंदर। इस टैंक का नाम होता है एरेशन टैंक। जो भी एरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो यहाँ पर ग्रो करेंगे।
अभी यहाँ पर, यहाँ से बहुत सारा फीसेस यहाँ पर आया है जो कि वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व होता है, तो इस ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोज करने के लिए ये एरेशन टैंक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेसिफिकली एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी वाटर बचेगा ये वाटर दोबारा चला जाएगा नेक्स्ट वाले टैंक में। ठीक है, 1% अगर यहाँ से कुछ थोड़ा अमाउंट में भी स्लज यहाँ पे ट्रांसफर होता है तो इस वाले सेडिमेंटेशन टैंक में दोबारा वो स्लज नीचे बैठ जाता है और इस स्लज को अब हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, ये एक्टिवेटेड स्लज दोबारा यहाँ से आ जाता है इसी चैम्बर में जहाँ पर ये वाला स्लज ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो अब जो क्लैरिफाइड वाटर है जो यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए, उसमें हम केमिकल्स का यूज करके उस वाटर में जितना भी स्मेल होता है उन सब चीजों को रिमूव कर देते हैं। मेनली केमिकल्स क्या यूज होते हैं, या तो उसमें ओजोन यूज होगा या उसमें क्लोरीन यूज होगा। ठीक है, जिससे कम्प्लीटली उसमें से स्मेल चला जाता है। इसके बाद यहाँ का जो वाटर होता है इसको भेज दिया जाता है डायरेक्टली टू वाटर बॉडीज जहाँ पर वो डिस्पोज करने के लिए आप केपेबल है। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा मेन यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ये जो स्लज है और ये वाला स्लज है ये सब आ जाता है इस वाले चैम्बर में, क्योंकि इस वाले स्लज में अभी भी काफी अमाउंट में मॉइस्चर है, काफी अमाउंट में वाटर है जिसको भी अब ड्राई कर लेंगे। ठीक है, ड्राई करने के बाद कुछ उसमें से गैसेस प्रोड्यूस होंगी जो कि हमारा बायोगैस का काम करता है। बायोगैस आप लोगों को पता होगा वो एक फ्यूल की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं जो कि मेनली कंपोज होता है CO2 एंड मीथेन में। अब ये जो ड्राइड स्लज था इसको हम यूज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कंपोस्ट जो कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, मैं एक मिनट में फटाफट इसको एक बार रिवाइज आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे घरों से सीवेज निकल के जाता है बाढ़ चैम्बर में जहाँ पे बाढ़ लगे होंगे और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अटक जाएंगे और जो वाटर के साथ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो सब चली जाएगी आगे सेडिमेंटेशन टैंक में। यहाँ पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा जिससे हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, मतलब जो पत्थर होंगे या छोटे छोटे ग्रेवल ग्रिट्स वो सब बैठ जाएंगे और बाकी सारा पानी चला जाएगा आगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो भी हैवी पार्टिकल्स होंगे फॉर एग्जांपल फीसिस या सैंड ये सब स्लज के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा और ऊपर फ्लोट करता रहेगा जितना भी अमाउंट में ऑयल है या ग्रीस है उस वाटर में। इन दोनों को हम रिमूव कर देंगे और आगे वाटर चला जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जहाँ पर एरेशन टैंक होगा। एरेशन टैंक की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी जिसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करेंगे और यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज थी उनको इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट कर देंगे। आफ्टर दैट द वाटर विल गो टू दिस चैम्बर जहाँ पे अगेन सेडिमेंटेशन विल टेक प्लेस। यहाँ पर सेडिमेंटेशन की वजह से जो भी स्लज है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा और ये वाटर जो था ये डिसइंफेक्टेंट जो कि क्लोरीन या ओजोन यूज कर सकते हैं और उसमें से वाटर में से जितना भी स्मेल है वो सब रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद वो वाटर आगे वाटर बॉडी में डिस्पोज कर दिया जाएगा। ये चैम्बर कहलाता है एनरोबिक डाइजेस्टर जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। ये वाला स्लज और ये एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पर आ जाता है और इसका पूरा मॉइस्चर ड्राई कर दिया जाता है। जितना भी सॉलिड वेस्ट आता है वो कहलाता है कॉम्पोस्ट जो कि हम कॉम्पोस्ट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं और इसमें से गैस निकलती है जिसको हम कहते हैं बायोगैस जिसमें मेनली होता है CO2 एंड मीथेन और इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को देख के थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिली है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड स्टे सेफ।